गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो हियर टुडे वी आर मूविंग विद स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. इन कॉन्टेक्स्ट हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट मिथेनॉल, फिनॉल एंड मिथॉक्सी मिथेन इन कॉन्टेक्ट्स विद मिथेन. यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले हियर द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल इज CH3OH. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथॉक्सी मीथेन. सो हियर आई हैव शोन यू द कंपेरिजन इन कॉन्टेक्ट विथ मीथेन. तो चलिए चलते हैं यहाँ पे. ये जो है CH3OH इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे बॉन्ड एंगल दिखाना है. यहाँ पे बॉन्ड एंगल दैट इज CH3OH कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 108.9 डिग्री. तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये वाले बॉन्ड एंगल से थोड़ा कम है. दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड दिस इज 108.9 डिग्री. तो क्वेश्चन इज अराइजिंग व्हाई इट इज सच. और यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो हियर इट इज 96 पिकोमीटर एंड दिस इज 142 पिकोमीटर. तो हियर व्हाई दिस इज लिटिल बिट लेस, इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. ये जो ऑक्सीजन पे जो अनशेयर्ड पेयर देख रहे हैं ना, लोन पेयर, इसके बीच में जो रिपल्शन होता है ड्यू टू दिस द बॉन्ड एंगल इज लिटिल बिट लेस दैट इज 108.9 डिग्री. अभी बात करेंगे हम फिनॉलिक कंपाउंड फिनॉल की. तो यहाँ पे मैं बॉन्ड एंगल को दिखाने के लिए ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसको मैं कुछ इस तरह से लिखा है. यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा. ओके, इट इज टू बी अंडरस्टूड. आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है. ओके, 109 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है दैट इज 136 पिकोमीटर. तो हियर व्हाट विल बी द रीजन, द OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. That is the bond length is less than that of methanol. अभी यहाँ पे तो एंगल की हमने कंपेरिजन किया, अभी यहाँ पे हम ये दो के बीच में बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे. हियर इट इज 142. देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 142 पिकोमीटर. तो इसमें है 136 पिकोमीटर. तो ये थोड़ा कम है. इट इज ड्यू टू दिस OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. सो और दूसरा जो रीजन हम यहाँ पे देंगे इसके साथ दैट इज आप देख सकते हैं दैट इज अ पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ ऑक्सीजन विथ एरोमेटिक रिंग. मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है. आपको पता है इट इज अल्टरनेटिव. तो जो कॉन्जुगेशन है इसके हिसाब से हमारा जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 136 पिकोमीटर. और एक दूसरा रीजन है कि यहाँ पे जो हमारा OH ग्रुप है दैट इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. सो ये जो दो रीजन है उसके हिसाब से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 142 से थोड़ी कम है, 136 पिकोमीटर. अभी लास्ट वाले पे हम आएंगे दैट इज मिथॉक्सी मीथेन. अभी मिथॉक्सी मीथेन सबसे पहला क्वेश्चन है कि टीचर ये मिथॉक्सी मीथेन हमारा किस तरह बना. आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ CH3H क्या है. एक्चुअली में ये मीथेन ही मैंने लिखा है, इट इज CH4. यहाँ पे अगर देखिये CH, H, H, NH. और आपको पता है यहां से एक H रिप्लेस होके OCH3 अगर लगा दू तो मेरा बन गया मिथॉक्सी मीथेन. तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मिथॉक्सी मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मैंने लिखा हुआ है. एंड बॉन्ड लेंथ है 141 पिकोमीटर एंड 111.7 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है. आप देखिए हियर इट इज 108.9. यहाँ पे आप देखिए इट इज 109 एंड इट इज 111.7. इतना बड़ा जो बॉन्ड एंगल है क्यों. तो यहाँ पे ये सारे जो है मतलब इसकी तो बात ही अलग है. ये भी मीथेन में से बना और ये भी मीथेन में से बना. तो कंपैरिजन हम यहाँ पे लेंगे विथ 109 डिग्री 28 मिनट्स. तो इन ईथर्स आप क्या देख सकते हैं, देखिए ये टू लोन पेयर, ये दो डॉट्स देख रहे हैं ना ऊपर नीचे. इन ईथर्स टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर. ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर है. दे आर अरेन्ज इन द टेट्राहेड्रल वे.
वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से वो बनी हुई है, तो अगर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से वो बनी है तो उसका बॉन्ड एंगल 109.28 degrees क्यों नहीं है, तो यहाँ पे रीजन दिया है, दैट इज द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल. इन द मीथेन द एंगल इज टेट्राहेड्रल, इट इज स्लाइटली ग्रेटर, यू कैन सी वेल. तो द रीजन इज देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्की आर ग्रुप्स. अब देखिए ये जो ग्रुप है ये बहुत ही बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है. बल्की मतलब आपको पता है, बल्की दैट इज आर जो अल्काइल ग्रुप है उसको बल्की ग्रुप हम बोलते हैं. तो ये दो के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे उसका जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा, दैट इज 111.7 degrees. तो ये सारी हमने बातें की, दैट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. एंड होप इट इज क्लियर टू यू. एक बार वापस से आपको बता रही हूँ, इसके साथ आपको 11.3 आपको रिफर करना है और आपकी नोटबुक में उसको नोट डाउन करना है. अगर आप इस तरह से लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखेंगे देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम. थैंक यू.